फैमिली गेम से मुराद ये थे कि मेरे फादर जो थे, अल्लाह बख्शे उनको, बहुत क्लीन क्रिकेटर थे, स्पोर्ट्समैन थे बेसिकली। उन्होंने फुटबॉल ही खेली। जब ये फिर माइग्रेट किया इंडिया से, तो वहाँ पर जब इंडिया में भी थे तो पालनपुर की रेसिडेंसी में होते थे, वहाँ पर सारे स्पोर्ट्स खेले जाते थे। तो माई फादर यूज़ टू प्ले हॉकी, फुटबॉल, हर तरह की चीज़ें खेलते थे। मगर पाकिस्तान में आके जब उन्होंने मुस्लिम जिमखाना जो थी वो मेरे फादर रन करते थे। और क्रिकेट जो है मुझे बचपन से शौक था। मेरे फादर ने खेली, बड़े भाइयों ने खेली, मेरे सब भाइयों ने खेली तकरीबन क्रिकेट अच्छे लेवल पे। टेस्ट क्रिकेट पे नहीं है, मगर अनवर मियादाद जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट, उन्होंने कुछ चीज़ खेले, टूर किया। तो हमारी ये एक ख़ानदान में क्रिकेट थी, यानी कि एक फैमिली गेम आप कह दें स्पोर्ट्स। मेरे फादर क्योंकि मुस्लिम जिमखाना भी है ना, रन करते थे, और मैं मुस्लिम जिमखाना से भी बहुत छोटा होता था, बच्चा होता था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह क्रिकेट इतनी अच्छी थी कि मुझे चांस मिल जाता था। ख़ास तो शुरू शुरू में तो मैं फील्डिंग करता था, क्योंकि कोई भी बड़े जो अगर इंजर्ड हो जाते थे, हम पोलो ग्राउंड में खेलते थे, पोलो ग्राउंड से स्टार्ट की थी, वहीं सामने मुस्लिम जिमखाना होता था। जब हमारे क्रिकेट जो होती थी वो सुबह होती थी 12 बजे 1 बजे है ना, वो मैचेस ख़त्म हो जाते थे। जिमखाना में जो क्रिकेट होती थी मुस्लिम जिमखाना में, वो सुबह शुरू होती थी तो शाम को ख़त्म होती थी। तो हमें 2-3 घंटे ऐसे मिल जाते थे दोपहर के बाद। तो फिर मैं जिमखाना में चला जाता था, मैच देखता रहता था, कभी फील्डिंग करनी होती फील्डिंग करता था। इस तरीके से हमें ना शौक पैदा हुआ, और अल्लाह ताला ने फिर कहाँ से कहाँ पहुँचाया। फिर हमारी बैंकों की क्रिकेट बनी। मुझे अफसोस ये कि स्टार्ट अप भी जीता, पाकिस्तान के प्लेयर बहुत बड़े पैदा हुए, और अच्छी क्वालिटी क्रिकेट खेली जाती थी, और बड़ी टफ क्रिकेट होती थी, क्योंकि हर डिपार्टमेंट ने बड़े स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स लिए हुए थे, जो कि अब वो चीज़ नहीं है। तो उससे लोगों को फ़र्क ज़रूर पड़ा, बेचारे लोगों की जॉबें लगी हुई थी। क्योंकि पाकिस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कहना बड़ा आसान है कि पढ़ोगे भी और ये भी करें, वो ये चीज़ हो नहीं सकती। पाकिस्तान में आपको पता है कि यहाँ एक आदमी कमाने वाला है, 10 आदमी खाने वाले होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमें चाहिए कि हमें वो चीज़ें इस मुल्क में करनी चाहिए कि जिससे एक आदमी की वजह से 10 आदमी जो है उससे फ़ायदा उठाए। अच्छा जावेद साहब, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान आज वर्ल्ड चैम्पियन है। अगर कहा जाता है कि वर्ल्ड कप 92 का पाकिस्तान ने जीता है, तो उसमें सारा सेहरा कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आपके सर पे आके, आपके कंधों पे आके उतरता है और पहना जाता है। तो दुनिया और पाकिस्तान, खासतौर पर पाकिस्तान की आवाम, इस चीज़ के मशहूर हैं आपके कि आपने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवाया, और आपके एक्सपीरियंस और टैलेंट्स और जितने भी आपने ऑन ग्राउंड अपने एफर्ट्स किए, उसकी वजह से पाकिस्तान आज इस चैम्पियनशिप का और इस वर्ल्ड कप का हकदार है और रहा है। दुनिया मानती है इस चीज़ को। हम ये आज जो सेशन कर रहे हैं, इसमें आपके यूट्यूब और फेसबुक पे जितने भी आपके फैंस हैं, इनके सवाल जो जमा हुए, तो उनको जमा करके एक आपके साथ एक चिट चैट इन्वायरमेंट में बात कर रहे हैं, और लोग अभी भी मैसेजेस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। आपका नेपाल से लोगों के मैसेज आ रहे हैं, इंडिया से मैसेजेस आ रहे हैं, दुनिया के और मुख्तलिफ मुल्कों से मैसेज आ रहे हैं कि ये सवाल हमारा पूछें, ये सवाल पूछें। तो टाइम कम होगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे सबके सवाल आपसे पूछे जाएँ। तो लोग बात कर रहे हैं कि फैमिली आपका क्रिकेट आपकी फैमिली में, आपकी खून में, रगों में क्रिकेट ही क्रिकेट है। तो आपके भाई ने भी खेला, क्या आपको एक एडवांटेज मिला कि आप एक पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में एज अ लेजेंड प्लेयर के तौर पे निकले, और किस तरीके से आपने अपने वालिद साहब की जिमखाना या उनकी एक्सपर्टीज़ को हासिल किया? क्या वो आपको सिखाते थे, किस तरीके से आपको टाइम देते थे, आपकी पढ़ाई में से कैसे टाइम निकलता था, आपकी फैमिली में से कैसे टाइम निकलता था, आपके भाई आपको कैसे सपोर्ट करते थे, ये बताएं थोड़ा सा। देखिए, मैं सबसे पहले तो जो सुनने वाले हैं उनको ये कहते हैं कि प्लीज़ देखें, वो वक्त के साथ साथ तो डिफरेंट चीज़ें, मगर पढ़ाई नंबर वन पे है। पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है कि वो ज़िंदगी भर रहेगी। क्रिकेट और बाकी सारी चीज़ें जो है ये टाइम भी है, आज है 5 साल 10 साल, मगर 10 साल 15 साल में आप वो पैसा इतना नहीं कमा सकते कि जो आपकी लाइफ के लिए। तो सबसे पहले आपकी अपनी लाइफ है, क्या आपने अपने लाइफ को सिक्योर करना है। तो मैं सर कहता हूँ कि नंबर वन पे जो है आपकी एजुकेशन अच्छी होगी, लाजिमात है आपकी जॉब अच्छी होनी चाहिए, ताकि आपको पता है कि पढ़ाई की बेस पर आपको जॉब मिले, और वो करियर जॉब होती है जब तक आदमी रिटायर नहीं होता, और रिटायर होने के बाद भी उसके बेनिफिट जो है उसको मिलते हैं, ताकि वो अपने बच्चों को अच्छी तरीके से पाल सके। क्रिकेट एक ऐसा गेम है, लकीर या फ़कीर दो चीज़ें हैं। अगर आपने इसको दो तरीके से नहीं लिया,
क्रिकेट को आप क्रिकेट की तरह रहें, और जहाँ आप मौका देखें ऐसी कोई चीज़ भी नज़र आती है तो आप ये ना कहें कि मैं क्रिकेटर बन जाऊँगा। आप बनेंगे ज़रूर, मगर इसके लिए आसान नहीं है, क्योंकि क्रिकेट बनने के लिए बड़ी आसान भी है कि जैसे आप क्रिकेट खेलें हर मैच में रन करें आपका करियर हमेशा के लिए ना रहेगा, जब तक आप चाहेंगे खेल सकते हैं। मगर ये गेम ऐसा है कि इसमें अप एंड डाउन रहता है, एक दिन फॉर्म होती है एक दिन नहीं भी होती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जो भी मुझे सुन रहे हैं बच्चों को, देखो सबसे पहले आपका मुस्तकबिल है, मुस्तकबिल आपको अपने आप सोचते हैं, अपने माँ बाप आपके जो पेरेंट्स हैं उनसे बैठ के डिस्कस करें, भाई बहनों से करें, अपने दोस्तों से करें कि आप किस चीज़ में बेस्ट हैं। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं, मगर हो सकता है कि आप डॉक्टर अच्छा बन सकते हैं, अब उस जगह पर तवज्जो ही नहीं दे रहे। तो आप अपनी, मैं जो आप एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, ये कहूँगा कि जो भी मुझे सुन रहे हैं उन बच्चों को चाहिए अपने आप को पहले गोल बनाएं, हर चीज़ में लेके जाएं। आप डॉक्टर में लेके जाएं, इंजीनियर में लेके जाएं, वकालत में लेके जाएं, इस तरीके से करते करते स्पोर्ट्स भी लेके आए तो स्पोर्ट्स एक सब्जेक्ट आ जाएगा, और उसमें आप देखेंगे आपको खुद पता चल जाएगा कि आप कहाँ पर किस जगह पर आप मुफीद रहेंगे और किस जगह को अपना करियर बना सकते हैं। यही चीज़ मेरे साथ थी कि हमारे माशाल्लाह में तो सब भाई बहन पढ़े, अच्छे पढ़े, पढ़ाई पे थे बिल्कुल राइट थी, खेल अपनी जगह था, मगर मैं इतनी यंग एज में जब खेल रहा था, खेलने में मैं इतना हुआ कि मेरी पढ़ाई जो है वो इतनी ज़्यादा कंटिन्यू नहीं रही। मैंने स्कूल दिया, कॉलेज में एडमिशन लिया, और उसके बाद मेरी खैर बात हो गई मेरी क्रिकेट की वजह से पढ़ाई जो थी, क्योंकि वही टाइम खेलने का हो गया, वही टाइम पढ़ने का हो गया है मोस्ट ऑफ द टाइम। और मैं एक ऐसा प्लेयर हूँ कि जो मैं बचपन से जब टीम में माशाल्लाह आया और पहली दफ़ा से लेके तो एंड तक जब तक मैंने क्रिकेट नहीं छोड़ी मैं टीम से बाहर नहीं हुआ, एक आध दफ़ा इंजरी की वजह से मैं टीम से बाहर हुआ। तो आप अपना करियर बनाना है किसी चीज़ का तो इस तरीके से जुनून की हद तक है ना उस चीज़ में जाए, मगर उसके साइड लाइन पर आप अपनी चीज़ें जो हैं वो ज़रूर रखें। तो मैं बच्चों को ये कहना चाहता हूँ, देखो खेलो बहुत अच्छी तरह खेलो, मगर हर चीज़ अकल से, अकल अपनी आपने यूज़ करनी है, माइंड को यूज़ करना है, और अपनी फैमिली को सबसे ज़्यादा यूज़ करना है कि देखें आपकी फैमिली क्या किस तरीके से, अगर आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं, ये नहीं है, तो आप फिर तो हर चीज़ कर सकते हैं और हर चीज़ का ना चांस ले सकते हैं। मगर जब आपकी फैमिली में प्रॉब्लम है और रिस्ट्रिक्शन है, रिस्ट्रिक्टेड है, तो उसके वो बहुत बहुत सोच समझ के, बहुत मैं उनको यही कहूँगा कि नंबर वन पे आपकी जो है पढ़ाई भी और प्लस आपके अर्निंग, क्योंकि अर्निंग होगी तो आप अपने बच्चों को भी अपने आप को भी हर चीज़ को संभाल सकते हैं। तो ये बड़ा मुश्किल है, डोंट कॉपी अदर कंट्रीज़ के, जैसे इंग्लैंड हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, दुनिया में अमेरिका हुआ, कैनेडा, वहाँ के माँ बाप जो है वो 99% जो है वो गवर्नमेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट प्रोवाइड एवरीथिंग, 1% क्योंकि माँ बाप ने तुम्हें पैदा किया होता है, मगर आपके अखराजात, आपकी हर चीज़ जो है वो कंट्री खुद उठाती है। अब बच्चे माँ बाप पर बर्डन नहीं होते और माँ बाप बच्चों पर बर्डन नहीं होते, तो ये चीज़ें जो है उनको इस चीज़ का बड़ा एडवांटेज है, सिवाय पाकिस्तान के और दूसरी कंट्रीज हैं जिसमें अपने आप ही सब कुछ करना पड़ता है, आपको सोशल सिक्योरिटी का या कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, जबकि सारी दुनिया में सोशल सिक्योरिटी का जो है सारी चीज़ें हैं ना यूज़ होती हैं, हर तरीके से स्कूल फ्री, पढ़ाई फ्री, आपकी मेडिकल फ्री, अपनी यानी हर तकरीबन फ्री। अभी भी आप देख लें दुनिया में कोविड जो चल रही है, ये बीमारी आई हुई है, मगर वहाँ पर लोगों को गवर्नमेंट जो है घर बैठे पैसे दे दिए, जबकि यहाँ पर पाकिस्तान में वो हाल नहीं है। तो मैं पाकिस्तानियों को कहूँगा कि खुदा के वास्ते अपनी सेहत का भी ख्याल रखना और इसको बहुत सोच समझ के, ये नहीं है, ठीक है अल्लाह देगा पैसा इंशाल्लाह, आप मेहनत जरूर करें, मगर उस जुनून तक ना चले जाएँ कि आप इसको भूल जाएँ कि अभी यहाँ पर कोरोना जो है वो ख़त्म हो गया। कोरोना ख़त्म नहीं हुआ, हमारी लाइफ जो है वो लाजमी बात है कि वो नहीं है जो हम दूसरों को फॉलो कर सकते, हमें अपनी बेस पे चलना पड़ेगा। अच्छा जावेद साहब, दो सवाल हम लेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, ऑनलाइन लोग बैठे होते हैं, तो वो सवालात को बाद में सुन लें। पहली एक चीज़ ये कि जो बच्चे स्टार्ट करना चाहते हैं एज अ क्रिकेटर,
तो उनका बेस कितना स्ट्रांग होना चाहिए, उनकी फाउंडेशन कैसी स्ट्रांग होना चाहिए कि वो क्रिकेट के बारे में क्या क्या चीज़ पहले समझें कि उसके बाद वो एक अच्छे बॉलर बन सकते हैं, एक अच्छे बैट्समैन बन सकते हैं, फील्डर बन सकते हैं, या अपने टीम को किसी तरीके से अपने टीम की जितवाने में अपना एक किरदार अदा कर सकते हैं, क्या बेस होती है? बैटिंग में मैं सबसे पहले आपको बता दूँ, आपका जो मिरर है, शीशा जो है, उसको फॉलो करें आप, अपने आप को खुद देखें कि आया आपका स्टांस बिल्कुल सही है। इसी तरीके से फास्ट बॉलर भी आके वो जो गेंद करते हैं वो देखें, अपने आप को खुद फोकस करो, उसमें आप जल्दी निकलोगे। एक बताना अपनी जगह है, जरूर है, आप ट्रेनिंग लें, कोचिंग लें, सब कुछ लें, राइट, मगर जैसे कमाल साहब ने मुझसे जो सवाल किया, उसमें आपको बड़ा आसान है कि आप अपने आप को शीशे में देखें, मिरर के अंदर, जो चीज़ आप करना चाहते हैं, जो चीज़ आप सोचना चाहते हैं, उस आप अपने आप से बात करें, अब अपने आप से बात करें, आप अपना स्टांस देखें, आप अपने शॉट्स खेलें और ख़ुद अपने आप को पिक करें। ये सबसे बड़ी ट्रेनिंग और कोचिंग मेरे नज़दीक आप सबके लिए है। जब तक आप अपने आप को देखेंगे और अपनी गलती खुद पकड़ लेंगे तो आप सेकंडों में अपनी गलतियों को अंदर दूर कर देंगे। चाहे आपको मैं ग्राउंड में ले जाऊँ और मैं बॉलिंग कराता रहूँ, जब तक आप खुद अपने आप को फोकस करके नहीं देखेंगे, जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा। तो मैंने आपको इतनी ज़बरदस्त टिप इस वक्त दी है कि आप हर चीज़ में, अगर आप ट्रेनिंग चाहते हैं, आप कुछ बनना चाहते हैं, तो वही चीज़ आप मिरर में खड़े होकर अपने आप से बात करें, अपने आप को देखें, अपने आप को है ना एक्शन में खेलें, आपको बैट का पता चल जाएगा, आपको हर चीज़ पता चल जाएगी कि आपके शोल्डर कैसे आ रहे हैं, आपका स्टांस कैसा है, आप ओपन हैं क्या है, बॉलिंग में भी आपको पता चल जाता है। अक्सर लोग जो है वो देख रहे हैं बॉलिंग कर रहे हैं, यहाँ हाथ रखा हुआ, नहीं, हाथ हमेशा यहाँ होगा और गर्दन आपकी यहाँ निकली होती है तो हमेशा साइड वेज आपका आएगा। इसी तरीके से बैट्समैन का है कि आपका ये कोनी और ये चीज़ जो है ये आपके ना आँखों से और ये हेड से नीचे होनी चाहिए ताकि आप देख सकें, क्योंकि आपको यूँ जाना पड़ता है, यूँ जाना नहीं पड़ता, क्रिकेट में यूँ नहीं है, यूँ है, ऊपर से नीचे आना पड़ता। तो एक जगह आप खड़े होते हैं, उसके बाद आपने ये, आप जैसे आप ये खड़े हैं, अब खड़े खड़े हो गए, आपने ये और ये और ये है, ये आप ये चीज़ है, ये तीन चीज़ों का इस्तेमाल जो है ना, इसके ऊपर है ना आपको जोर रखना पड़ेगा और जोर देना पड़ेगा। अच्छा जावेद साहब, एक और सवाल है, वो ये है कि फिटनेस बड़ा चैलेंज है हमारी पाकिस्तान में भी और दुनिया में, जो लोग क्रिकेट खेलते हैं हमारे पड़ोसी ममालिक में भी ये सवाल आया है हमारे पास कि फिटनेस को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, कि कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं, लोग माशाल्लाह से कह रहे हैं कि आपने अपने आप को अभी तक फिट रखा हुआ है, क्या डेली एक्सरसाइजेस होनी चाहिए जो एक ग्रोइंग क्रिकेटर या एक घर में जो क्रिकेट को पैशन के तौर पर देखता है वो करे और फिर आके अपने अपने फ्यूचर को एज अ फिट क्रिकेटर के तौर पर रखे। ओके, देखें ये मैं कोचिंग मैं आपको बताता हूँ, जो भी मुझे सुन रहे हैं इस वक्त, आपने क्या करना है कि आपने स्प्रिंटें मारनी है सबसे ज़्यादा। आप ये मैं अपने टाइम पे भी उस चीज़ पे बिलीव नहीं करता था, लोग 10-10 राउंड लगाते थे, मैं 2 राउंड लगाता था या एक तेज़ भाग के लगाता था, उसके बाद मैं 6 या 8 हम स्प्रिंटें मारते थे, क्योंकि जो गेम में जो चीज़ आती है वो आना है, धक्का आना है, स्प्रिंट स्टॉप स्प्रिंट स्टॉप, ये आपकी क्रिकेट का बेस हैगा। तो इसके लिए आपको इतना, क्योंकि हर दफ़ा आपको यू नेवर नो, आप कवर पे खड़े हैं, आपके पास 4 शॉट आ गए, आप बाउंड्री लाइन तक चेस करेंगे, फिर हाई लेके आएंगे, फिर चेस करेंगे। तो नंबर वन, जब आप प्रैक्टिस करने जाते हैं तो उसमें अपने आप को, जब आपकी प्रैक्टिस ख़त्म हो जाए, पहले तो आप है ना एक राउंड लगाएं, उसके बाद एक थोड़ा तेज़ करके लगाएं, फिर आप अपना फिजिकली एक्सरसाइज करें, उसके बाद जब आप अपना नेट कर लें या मैच कर लें, उसके बाद उस वक्त आप स्प्रिंटें लगाएं, विकेट से लेके बाउंड्री तक आप एक स्प्रिंट मारें और वहाँ से वापसी में आप वॉक करके आए, फिर बैक टू योर सेम जहाँ पे आपने ना स्प्रिंट लगाई थी, फिर आप मारें। ये चीज़ें मैंने की थी, तो मैं ये बता रहा हूँ, जो चीज़ें मैं जो बताता हूँ वो चीज़ें मैंने खुद अप्लाई की होती है, और यही वजह है कि मुझे उसका फ़ायदा हुआ। और तो प्रैक्टिकली मैं बिलीव करता हूँ कि जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ आप वो करेंगे, आपको हो ही नहीं सकता कि नहीं, क्योंकि मुझे इस चीज़ का फ़ायदा हुआ। मैंने अपना करियर जो है इतना लंबी, मैं आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतना जज्बा है मेरे अंदर कि मैं अगर आज भी खेलना चाहूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, मैं जैसे चाहूँ मैं अपने आप को ला सकता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर विल पावर है
और ये चीज़ें जो हैं आप लड़ाई करेंगे अपने अपने जो भी चीज़ को कर रहे हैं उससे हमेशा आप उसके अगेंस्ट में करें, आप उसके अगेंस्ट में चीज, वो कहते हैं यूँ नहीं करो तो आप वो यूँ करो, ड्राइव नहीं करो भाई आप ड्राइव करो, क्योंकि ड्राइव नहीं करना रोक देना, ये हुक को रोक देना तो फिर तो क्विटिटी नहीं हुई। हर चीज़ करो मगर उसके तरीके कार हैं, जैसे कि मैंने तरीका बताया, हुक जो है आपने सबसे ऊपर अगर बॉल है वो हुक नहीं होगी, उसको अगर आपने खेलना है तो छक्के के लिए खेलेंगे, उसको और ऊंचे फेंकें तो वो ऊंचे जाएगी, मगर हुक करने के लिए ये आपकी गर्दन और चिक जो है यहाँ से इसके नीचे, यानी कि आपका सीने और वेस्ट तक है ना बॉल होती है, जिसके ऊपर आप है ना बड़ा आराम से, ताकि आपको गेंद नज़र आ रहा हो। इसी तरीके से आप जब उठा के शॉट खेलते हैं तो आपका पैर का जो सिस्टम है कि पैर बॉल के ऊपर जाना चाहिए, ये नहीं कि पैर इस तरीके से आ रहा है, नहीं, पैर हमेशा 90 डिग्री से ना पैर जाना चाहिए, जिसकी वजह से आप है ना शॉट अच्छा उठा सकते हैं। अगर आपका 30 या 40 की डिग्री पे आपका पैर यूँ आएगा तो लाजमी बात है कि आप शॉट नहीं खेल सकते, आप पॉइंट और कवर की तरफ खेल सकते हैं, क्योंकि आपका ये जो ये टो है, अब ये मेरा जो हाथ है समझे टो है, अगर टो इधर इसको फॉलो कर रहे हैं तो लाजमी बात है कि आप इधर तो आ ही नहीं सकते, आपने आना इधर है तो ये टो को यूँ लेना पड़ेगा, और ये आप देखिए ये टो, तो ये टो जो है ये बहुत बैटिंग में मायने रखता है, और हील के ऊपर आपने क्रिकेट नहीं खेलनी है, आपने अपने पंजों के ऊपर ज़्यादातर रहना है। हील जो है, हील अगर आपकी नीचे चली गई तो आपको है ना आपको उठने में बहुत तकलीफ होगी, आपका फुटवर्क जो है वो आपको स्टॉप करेगा बिकॉज ऑफ द हील। तो ये टिप्स होंगी, आप इसको नेट में जा जाके जो मैं बताता जाऊँगा अपने यूट्यूब चैनल पर, जो भी कोचिंग होगी मैं करता रहूँगा, और आप उसको जाके अपने आप को है ना प्रैक्टिस में अप्लाई करना, गेम में आपका खुद ब खुद आ जाएगा, जो मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आप जाएंगे करेंगे इंशाल्लाह आपको बहुत फर्क पड़ेगा। बहुत शुक्रिया जावेद साहब, आपका एक्सपीरियंस माशाल्लाह से इतना है कि दुनिया क्रिकेट अगर चाहे तो आपसे बहुत कुछ सीख सकती है, और अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ये कोशिश की ही नहीं गई कि आपसे कुछ सीखा जाए और आपकी एक्सपीरियंस से कुछ लेके और क्रिकेट को एक दूसरे लेवल पे लेके जाया जाए। लोग अब ये सवाल करते हैं कि आप पाकिस्तान की क्रिकेट में इन्वॉल्व क्यों नहीं होते, लोग बार बार ये सवाल कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान की क्रिकेट को बहुत कुछ दे सकते हैं तो आप क्रिकेट में क्यों नहीं आते, और पाकिस्तानी किसी की टीम में, अब तो बहुत फॉर्मेट आ गए पाकिस्तान की क्रिकेट में भी, बहुत ज़्यादा जायके आ गए, तो उन जायकों में किसी जायके में आप अपनी टिप क्यों नहीं देते, क्या आपकी मजबूरियां हैं, क्या आपकी किस तरीके से आप बिजी हैं कि आप क्रिकेट को टाइम नहीं दे पा रहे हैं? क्योंकि साफ आदमी हूँ, बोल्ड आदमी हूँ, सबकी चीज़ें हैं वो सामने बोलता हूँ, और जो चीज़ मेरे नज़दीक गलत होती है वो गलत होती है, मैं हर चीज़ के ऊपर नज़र रखता हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हर एक को जो प्रॉब्लम हो जाती है वो दूसरी प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से अब ये मैं ये नहीं कहना चाहता, और मुझे कोई ऐसी ज़रूरत भी नहीं है, बात भी नहीं, हाँ कि मेरे पास अब जो है यूट्यूब चैनल जो है इंशाल्लाह मेरे पास है, मैं लोगों को यही कहता हूँ, आपको कभी किसी किस्म की भी कोई मेरे से ज़रूरत है, पूछना चाहते हैं आप, मुझे इसके ऊपर है ना अपने है ना सवाल भेजें, मैं आपको ज़रूर डिस्क्राइब करता रहूँगा, बताता रहूँगा, मेरे लिए सबसे अच्छा है, कहते हैं ना कुछ नहीं तो कुछ नहीं कुछ ना मिल जाती है, तो मैं सिखाने वालों में से हूँ, मैं देने वालों में से हूँ, मैं लेने वालों में से नहीं है, और लाजमी बात है, और मेरा एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से हर चीज़ का इतना है कि मेरे सामने बोलने वाला है इतना आसान नहीं है उसको बोलना, क्योंकि मुझे कन्विंस करने के लिए भी है ना बड़ा टाइम चाहिए, क्योंकि मैं कन्विंस करवा सकता हूँ, मैं कन्विंस कर सकता हूँ, मगर मुझे कन्विंस करना इतना था क्योंकि मेरा कैरियर सबके सामने होगा, और माशाल्लाह पहली दफ़ा से लेके पहले टेस्ट से लेके मैं वर्ल्ड कप में मैंने खेला था 1974-5 के वर्ल्ड कप में, जब से और जब तक मैंने खुद छोड़ी जब तक नहीं छोड़ी थी, जब तक मेरे पास टिप्स नंबर वन तो ये है कि जितने भी क्रिकेटर्स हैं अपने आगे अपने पीछे एक लर्निंग है, आप जब तक आप खेल रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप सीखते हैं क्रिकेट में, डे बाय डे सीखना है, डे बाय डे कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट जब आप होते हैं, जब आप क्रिकेट छोड़ जाते हैं उसके बाद आप खुद रियलाइज़ करके बताते हैं कि आप किन किन चीज़ों में कंप्लीट थे और कितनी चीज़ें आपकी रह गई थी।
बहुत शुक्रिया जावेद साहब, आपने इतना टाइम दिया और अपने ऑडियंस से, अपने फैंस से, अपने वो चाहने वाले जो दुनिया के उस कोने पे बैठे हैं जहाँ पे आप शायद इनके साथ इस फ़ोन के तहत और इस चैनल यूट्यूब और फेसबुक ट्विटर के तहत कनेक्ट रहते हैं, उनके लिए उनकी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना वक्त दिया और उनके सवालात को आइंदा आने वाले दिनों में वीडियो की शक्ल पे और दूसरी शक्लों पे हम इनके सामने लेके जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।